जो रहती है, जो भी आपका ब्रिज होता है, तो ब्रिज में सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपका ब्रिज के तो दोनों छोर होते हैं, इसको बोलते हैं अबॉटमेंट। ये जो दिख रहे हैं आपको पिंक कलर में, ये क्या है आपके अबॉटमेंट कहलाते हैं। फिर ब्रिज के जो बाजू में जो निकलती है वॉल, इसको बोलते हैं विंग वॉल। ब्रिज के जो दोनों तरफ निकलती है इसको इसको क्या बोलते हैं हम, विंग वॉल। पिंक वाला हो गया मेरा क्या अबॉटमेंट, और जो ब्लू कलर दिख रहा है ये मेरा क्या हो गया आपका विंग वॉल हो गया। विंग वॉल के जो बाजू से जो निकलती है इसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ये जो ग्रीन जो दिख रही है ब्लू कलर के पीछे से, इसको क्या बोलेंगे हम, रिटेनिंग वॉल। इसे बोला जाता है रिटेनिंग वॉल। अब ये जो रिटेनिंग वॉल है ये आपकी विंग वॉल है और पिंक वाली आपकी अबॉटमेंट है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जो अर्थ होगा, जो भी मिट्टी इसके बीच में होगी, उसको क्या होता है सेटल होने नहीं देता। अगर मेरा अबॉटमेंट नहीं रहेगा, आपका रिटेनिंग वॉल नहीं रहेगी, तो ये मिट्टी ढह के कहाँ आ जाएगी, नीचे ट्रैक पे आ जाएगी, या फिर जहाँ पे सारा पानी का जो प्रवाह है, जो नदी है हमारी, वहां पर आ जाएगी, जिससे इसका क्या हो जाएगा, वाटर वे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, विंग वॉल बनाते हैं और क्या बनाते हैं आपका, रिटेनिंग वॉल। इसके दो फायदे और भी हैं। सबसे पहली चीज होगी कि ये हमारे जो अबॉटमेंट है उसके पीछे की जो मिट्टी है, जो फॉर्मेशन है, उसका कटाव से बचाएगी। हमारी जो गिट्टी के जो फॉर्मेशन होगा उसको कटाव से बचाएगी। इस कटाव से बचाने के लिए ये जो आपकी रिटेनिंग वॉल है, इस रिटेनिंग वॉल और विंग वॉल पे वीक पॉइंट बनते हैं। वीक पॉइंट उस पर ऐसे क्या होते हैं, वीप होल बनते हैं। क्या बनते हैं, वीप होल। ऐसे छोटे छोटे होल बनते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, होल बनाए जाते हैं। अब ये वीप होल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर इसके अंदर पानी, क्योंकि पानी गिरेगा बारिश का, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। जब पानी इकट्ठा होगा, यहाँ अगर पानी इकट्ठा हुआ है और वो भागने की कोशिश करेगा, अगर हम उसको वीप होल बना के यहाँ से पानी निकलने का रास्ता नहीं देंगे, तो फिर क्या करेगा वो, आपका जो ये रिटेनिंग वॉल है उसके पीछे इकट्ठा हो जाएगा और मिट्टी को बहाते हुए आगे ले जाएगा। मिट्टी को कैसा करेगा, बहाते हुए आगे बढ़ा के ले जाएगा। अतः एकदम से यहाँ पे कोलेप्स होने की संभावना बढ़ सकती है। तो विंग वॉल के और रिटेनिंग वॉल के पीछे पानी ना ठहरे, इसलिए वहां पे क्या बनाई जाती है, वीप होल बनाए जाते हैं। वीप होल को हमेशा नीचे की सतह से जो रहेगा 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है, या लगभग 1 मीटर ऊपर रखा जाता है। एक वीप होल और दूसरे वीप होल के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा जाता है। तो ये हमारे हो गए क्या, वीप होल। दूसरा हम जिक्र कर लेते हैं कि जब भी आपका, चलो गार्ड रेल की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, गार्ड रेल की। तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई ब्रिज में गार्ड रेल क्यों बनाई जाती है, ब्रिज में गार्ड रेल क्यों लगाई जाती है। ब्रिज में गार्ड रेल इसलिए लगाई जाती है कि अगर मेरा ब्रिज में अगर ड्रेलमेंट होता है, अगर मेरा ब्रिज के ऊपर ड्रेलमेंट होता है, तो गाड़ी क्या हो, ग्रेलमेंट तो हो लेकिन ब्रिज के ऊपर ही रहे, ब्रिज से कहाँ ना गिरे, नीचे ना गिरे। क्योंकि अगर ब्रिज के ऊपर कोई गाड़ी है, ड्रेलमेंट हुआ है और गाड़ी कहाँ पर है, सिर्फ ब्रिज के ऊपर ही है, तो उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी ब्रिज से कहाँ उतर जाएगी, नीचे निकल जाएगी, तो नुकसान कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई, गार्ड रेल लगाते हैं। ये देखो सबको दिख रही होगी गार्ड रेल, दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये गार्ड रेल रहती है, गार्ड रेल लगाते हैं। गार्ड रेल में आप जब भी देखोगे तो एक तरफ नोक दिखेगी और दूसरी तरफ ऐसा हुक दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हमेशा याद रखना, जिस तरफ से गाड़ी आ रही है, मान लो गाड़ी मेरी इस साइड से आ रही है, जिस ओर से गाड़ी आ रही है उधर हमेशा क्या बनाते हैं, नोक बनाते हैं, और जिधर को गाड़ी जाती है उस तरफ कैसे रहते हैं, ऐसे आपका जो रेल है उसको क्या करते हैं, बेंड करके रख देते हैं। अगर यही मेरी सिंगल लाइन होती, यही मेरी क्या होती, सिंगल लाइन, मतलब मेरी ट्रेन इधर से भी आती है और मेरी ट्रेन इधर से, मतलब दोनों तरफ से जब ट्रेन का मूवमेंट होता, तो इसकी नोक कैसी रहती है आपकी, दोनों तरफ बनाई जाएगी। दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको नोक को ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक लकड़ी का गुटका लगाएंगे, यहाँ एक लकड़ी का गुटका रहेगा, और इसको हुक करके यहाँ पर क्या कर देंगे, बैंड कर देंगे। ये जो रीड होता है लेंथ, ये अबॉटमेंट बताया था मैंने, अबॉटमेंट से जो सीधा हिस्सा निकला रहता है, अबॉटमेंट से गार्ड रेल का जो सीधा हिस्सा निकला रहता है, इसकी लंबाई होती है 18-25 mm। गार्ड रेल से
ये सीधी रेल जो निकली हुई रहती है, मतलब जो अवार्टमेंट से गार्डन जो सीधा हिस्सा निकला रहता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 18-25 mm। और ये जो तिरछा भाग रहेगा, ये जो तिरछा भाग दिख रहा है, इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई होती है 48-75, 48-75। मतलब गार्ड रेल का जो सीधा हिस्सा निकला हुआ रहेगा, जो गार्ड रेल का जो सीधा हिस्सा निकला है ना, ये सीधा हिस्सा, ये जो सीधा हिस्सा निकला रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इसकी लेंथ होती है 18-25, और जो तिरछा हिस्सा रहता है उसकी लेंथ होती है 48-75। ठीक है, अगर ये बोथ साइड यदि हमको सिंगल लाइन है तो हमको दोनों तरफ सेम साइज हमको बनाना पड़ेगा। गार्ड रेल की लेंथ डिपेंड करती है ब्रिज की लंबाई पे, कि भैया ब्रिज जितना लंबा, मतलब ब्रिज का वाटरवे जितना ज्यादा होगा, गार्ड रेल की लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि जो अबॉटमेंट से बाहर का जो हिस्सा है वो तो फिक्स है कि स्ट्रेट वाला मैं 18-25 लूंगा, जो आपका बैंड है वो इससे 48-75 लूंगा, लेकिन जो ब्रिज की जो चौड़ाई है वो तो डिपेंड करेगी सिर्फ ब्रिज के वाटर वे पे। जितना ज्यादा वाटर वे होगा मेरी गार्ड रेल की लेंथ उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज, जो गार्ड रेल है आपकी, आपकी गार्ड रेल है, गार्ड रेल और रनिंग रेल, गार्ड रेल और कौन सी रेल? रनिंग रेल। गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 250 प्लस माइनस 50। गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का जो डिस्टेंस रखा जाता है वो रखा जाता है कितना? 250 प्लस माइनस 50, या हम सीधा इसको कह सकते हैं कि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का डिस्टेंस होता है 200 से 300 mm। 200 से 300 mm, कितना कह सकते हैं हम? 200 से 300 mm। गार्ड रेल और रनिंग रेल का जो जो डिस्टेंस होती है वो रखी जाती है 200 से 300 mm। अब सपोज अगर मेरे ब्रिज पे गाड़ी गिरती है, अगर मेरा ब्रिज पे अगर राइट हैंड साइड में गाड़ी गिरी, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ब्रिज पर गाड़ी मेरी गिरी कहाँ? राइट हैंड साइड की ओर, तो ये चक्का जो रहेगा राइट हैंड साइड का वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का जो चक्का होगा वो लेफ्ट हैंड की गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच में फंस जाएगा, जिसके कारण से गाड़ी मेरी ब्रिज से नीचे नहीं गिर पाएगी। इसी कारण से हम क्या करते हैं, ब्रिज में गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं, ताकि जितना नुकसान ब्रिज में गाड़ी गिरने से नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान ब्रिज का, ब्रिज मतलब गाड़ी का ब्रिज से नीचे गिरने से हो जाएगा। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारी गार्ड रेल होती है, जो हमारी क्या होती है? गार्ड रेल। गार्ड रेल रनिंग रेल से 25 mm से ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में गार्ड रेल रनिंग रेल से 25 mm से ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम इसके डाउन की लिमिट कितनी है? 25 mm। किसी भी कंडीशन में 25 mm से नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये तो गार्ड रेल बात वो हो गई कि कहां पे है, ब्रिज पे है, और गार्ड रेल कहां लगाएंगे भाई? गार्ड रेल और कहां लगाई जाती है? गार्ड रेल और लगाई जाती है सपोज आपका कोई ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर ब्रिज है, सपोज मान लो, को ये मान लो कि मेरा ये क्या है? फ्लाईओवर ब्रिज है। अब फ्लाईओवर ब्रिज का ये अबॉटमेंट है, मान लो फ्लाईओवर ब्रिज है, एक पिलर ये है, मान लो इसका दूसरा पिलर ये है, ठीक है, इधर से तो गाड़ियां जा रही है, तो यहां पे मेरा ट्रैक है, यहां पे मेरा क्या है? ट्रैक है। ठीक है, मान लो ये मेरा ट्रैक है। अब इस ट्रैक में क्या होगा, इसमें भी गार्ड रेल लगती है, जब फ्लाईओवर ब्रिज रहता है उसके नीचे भी क्या लगती है? गार्ड रेल रहती है। अब यहाँ के गार्ड रेल की क्या जरूरत है? देखिए, जो कंडीशन हमारे ब्रिज में थी कि ब्रिज में अगर गाड़ी गिरती तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना ब्रिज से नीचे गिरने से होगा, वैसे ही अगर मेरा फ्लाईओवर ब्रिज है उसमें गाड़ी गिरेगी तो गाड़ी गिरने से उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन गाड़ी गिरने के बाद यदि आपका किससे टकरा जाए, इस पिलर से टकरा जाए, गाड़ी अगर गिरी ब्रिज उसके नीचे तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इस पिलर से टकरा जाएगी तो उससे कई गुना नुकसान बढ़ जाएगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए यहां पर भी क्या लगा दी जाती है? आपकी गार्ड रेल लगाई जाती है। क्या लगाई जाएगी? गार्ड रेल। अब गार्ड रेल लगाने के लिए क्राइटेरिया, गार्ड रेल लगाने के लिए क्राइटेरिया
क्राइटेरिया क्या है भैया गार्डरेल लगाने के लिए क्राइटेरिया? मैनुअल कहता है कि अगर ट्रेक सेंटर से, ये मान लो ट्रेक सेंटर है, अगर ट्रेक सेंटर से किसी पिल्लर या किसी भी बिल्डिंग का डिस्टेंस, अगर ट्रेक सेंटर से किसी भी पिल्लर या फिर बिल्डिंग का डिस्टेंस 8 मीटर, कितने मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर या उससे ज्यादा होगा, ट्रेक सेंटर से किसी भी ब्रिज के पिल्लर या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ठोस कंक्रीट स्ट्रक्चर का डिस्टेंस 8 मीटर या उससे ज्यादा होगा, तो वहां पर गार्ड रेल प्रोवाइड की जाएगी। और जहां पर 8 मीटर से कम होगा, किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का डिस्टेंस ट्रेक सेंटर से 8 मीटर से कैसा होगा, कम होगा, 8 मीटर से कम होगा तो वहां पे गार्ड रेल प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन 8 मीटर से ज्यादा होगा तो वहां पे गार्ड रेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो वही रीजन होगा कि सपोज मैंने मान लिया कि इसका ट्रेक सेंटर 8 मीटर से कम है तो यहाँ पे गार्ड रेल है, लेकिन इसका ट्रेक सेंटर मान लो कि यहां से कितना है, मैंने माना कि 12 मीटर है, तो 12 मीटर का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर से ज्यादा है, तो यहाँ पर गार्ड रेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप देखते हैं कि आप क्या अभी थर्ड लाइन है, तीन लाइनें हैं आपका ब्रिज के नीचे, तो मिड लाइन में, मोस्टली मिड लाइन में आपकी गार्ड रेल प्रोवाइड नहीं की गई है, क्योंकि मिड लाइन जो होगा उस पिलर से डिस्टेंस 8 मीटर से कैसा होगा, ज्यादा ही होगा। अरे देखा है कि नहीं, ठीक है, तो 8 मीटर से जहां पे भी ज्यादा होगा तो वहां पर गार्ड रेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जहां 8 मीटर से कम है या 8 मीटर है वहां पर गार्ड रेल प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी तक देखो हमने चर्चा कर लिया टाइप ऑफ ब्रिज के बारे में कि भैया ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रिज देख लिया, मेजर ब्रिज देख लिया, माइनर ब्रिज देख लिया, कलवट देख लिया, ठीक है, कलवट के बाद फिर क्या देख लिया हमने, ठीक है, गार्ड रेल देख लिया, गार्ड रेल के बाद हमने अबॉटमेंट के बारे में भी चर्चा कर लिया, उसके बाद हमने विंग रेल के बारे में भी चर्चा कर लिया, रिटेनिंग वॉल के बारे में भी चर्चा कर लिया, ठीक है, और गार्ड रेल अपने ब्रिज पर और फ्लाईओवर ब्रिज पे नॉर्मल कहाँ कहाँ कैसी कंडीशन में लगेंगी उस पर भी चर्चा